और दो लौंग और दो इलायची। हे गाइस, इट्स मी मयूरी। आप सबको फिर से मेरा न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और आज एक रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन कल वाला जो वीडियो आप लोग देखे थे पूरी शक चौरी, उसी के साथ ही मैं रेसिपी बना रही हूँ। लेकिन ये वीडियो आपको ये ब्लॉग में देखने को मिल रहा है, तो पिछले वाला ब्लॉग अगर नहीं देखे होंगे तो जल्दी जल्दी जाकर देख लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेज से देखे तो पेज को फॉलो कर दीजिए। आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तब तक वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ये देखिए, आज बनेगा चिकन कोसा। इसके लिए चिकन तैयार हो गया है। इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर देखिए, अदरक लहसुन ले लिया हो और साथ में कच्चा मिर्च भी लिया हो। आज पूरा मिर्च का ही बनेगा, कोई पाउडर वाला नहीं देंगे, मिर्च पाउडर नहीं देंगे। देखिए, अदरक लहसुन सब कुछ पेस्ट कर लिया हूँ। और इधर माँ प्याज काट रहे हैं। देखिए इधर देखिए चिकन, इधर है प्याज, कैप्सिकम ले लिया हूँ और इधर देखिए धनिया पत्ता, टमाटर है और इधर है अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए अब बनाने के लिए जाते हैं चिकन कोशा। देखिए आज चिकन दे रही हूँ, सारा का सारा चिकन दे दिया हूँ, अब इसको फ्राई करेंगे। देखिए चिकन कोसा बनाने के लिए सबसे पहले तेल ले लिया हूँ और दे रही हूँ जीरे और दे रही हूँ तेज पत्ता और साथ में सूखा मिर्च और दो लौंग और दो इलायची। नमक ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब देखिए ये प्याज रख दूंगी, जब देखिए चिकन फ्राई हो रहा है इसी में ही प्याज रखूंगी। प्याज, कैप्सिकम जो भी है सारा का सारा चिकन के अंदर दे दूंगी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ, अच्छे से भून लिया हूँ। अब इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, जीरा पाउडर, अब थोड़ा सा हल्दी दूंगी क्योंकि पहले हल्दी दिए थे, और कश्मीरी मिर्च दूंगी कलर के लिए, क्योंकि वो जो हरी मिर्च दिया हूँ पेस्ट के साथ इसीलिए पाउडर वाला नहीं दूंगी, कश्मीरी मिर्च दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नमक लास्ट में दूंगी क्योंकि चिकन फ्राई करने के टाइम बहुत सारा नमक दिया हूँ, लास्ट में चेक करके फिर और थोड़ा सा नमक का जरूरत पड़ेगा तो फिर सॉल्ट ऐड करूंगी। चिकन का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, इसमें अभी तक मैं पानी भी नहीं ऐड किया हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखिए चिकन का। चिकन कौसा बनेगा इसीलिए ज्यादा पानी ऐड नहीं करूंगी। देखिए बढ़िया कलर आया है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ, बहुत सा धनिया पत्ता दूंगी क्योंकि धनिया पत्ता के बगैर तो चिकन अधूरा है। अच्छे से डालूंगी और लास्ट में थोड़ा सा पानी रख दूंगी, बस मेरा तैयार हो जाएगा चिकन कोशा। ये देखिए हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए चिकन कोसा पूरा रेडी हो गया है, पानी थोड़ा सा दिया हूँ आप लोगों को दिखाई हूँ, चिकन कोसा रेडी हो गया है। ये देखिए, ये है आज का लंच, चिकन कोसा और भात, साथ में नींबू और ये है खीरा।